सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको फोन के कैमरे के कुछ हिडन फीचर्स और सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। दोस्तों अगर आप अपने फोन के कैमरे से फोटो क्लिक करते हो, फोटो खींचते हो और गाइस आपका जो फोटो है वो अच्छा नहीं आता है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में गाइस मैं आपको कैमरे के कुछ हिडन सेटिंग्स और फीचर के बारे में बताने वाला हूं, जिसको आप इनेबल करके सेटिंग करके गाइस आप अपने फोन के कैमरे से अच्छा फोटो क्लिक कर सकते हो। क्योंकि गाइस काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि यार हमारे फोन का जो कैमरा है वो अच्छा नहीं है, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि उनको फोन के कैमरे के सेटिंग के बारे में पता नहीं होता है और गाइस वो अपने फोन के कैमरे से अच्छा फोटो क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कॉमेंट करके आप ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे गाइस मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। ठीक है, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको Realme और Redmi इन दोनों फोनों के कैमरा सेटिंग और फीचर के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है गाइस, आप यहां पे ये फोन देख सकते हो, ये Redmi का फोन है। सबसे पहले मैं आपको Redmi के फीचर के बारे में बताता हूं। गाइस काफी टाइम ऐसा होता है कि हमें जल्दी से इमीडिएट किसी मोमेंट का फोटो क्लिक करना होता है, क्योंकि गाइस जो मोमेंट होते हैं वो कुछ सेकंड के होते हैं और गाइस कैमरे को ओपन करने में हमें 30 सेकंड 1 मिनट लग जाता है, जिसकी वजह से गाइस हम उस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाते। गाइस अब आप अपने फोन के वॉल्यूम डाउन बटन को क्लिक करके कैमरे को ओपन कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से। गाइस इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना होगा, सिंपली गाइस आपको Redmi के सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइस आपको यहां पे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन। ठीक है, आपको इसको ओपन करना है। इसके बाद गाइस आपको यहां पे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉन्च कैमरा, आपको इस सेटिंग को यहां से इनेबल कर देना है। दोस्तों जब आप इस सेटिंग को इनेबल कर दोगे और दोस्तों आप वॉल्यूम डाउन बटन को दो बार प्रेस करोगे, आपके फोन का जो कैमरा है वो लॉन्च हो जाएगा। जैसे आप हम अपने फोन को लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो हमारा जो फोन है वो लॉक हो चुका है। अब हम वॉल्यूम डाउन बटन को दो बार प्रेस करते हैं, गाइस आप यहां पे देख सकते हो हमारे फोन का जो कैमरा है ये ऑन हो चुका है। इस तरह गाइस आप शॉर्टकट तरीके से अपने फोन के कैमरे को ऑन करके किसी भी मोमेंट का फोटो कैप्चर कर सकते हो इमीडिएट। ठीक है, तो दोस्तों ये ट्रिक कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब चलिए मैं आपको अगले फीचर के बारे में बताता हूं। ठीक है गाइस, हम यहां पे कैमरे को ओपन करते हैं। कैमरे को ओपन करने के बाद आपको यहां पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है और यहां पे सेटिंग को ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइस आपको पहले नंबर पे एक ऑप्शन मिलता है, फीचर मिलता है वाटरमार्क का। दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि हम कहीं पे घूमने जाते हैं और वहां का फोटो कैप्चर करते हैं, ठीक है, और गाइस बाद में जब हम उन फोटो को देखते हैं तो हमें डेट याद नहीं होता है कि यार हमने इस फोटो को कब कैप्चर किया था, कब क्लिक किया था। तो दोस्तों अब आप फोटो पे वाटरमार्क को इनेबल कर सकते हो, डेट एंड टाइम को इनेबल कर सकते हो और गाइस आप यहां पे अपना नाम भी सेट कर सकते हो, आपके फोटो पे नाम भी शो होगा कि इस फोटो को किसने कैप्चर किया था, किसने क्लिक किया था। ठीक है, तो सिंपली गाइस आपको यहां पे इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। ठीक है, अब आपको यहां पे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम वाटरमार्क, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको यहां पे अपना नाम डाल देना है, जैसे यहां पे हम अपना नाम डाल देते हैं अमित कुमार। इसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। अब हम यहां पे बैक आते हैं। अब गाइस यहां पे मैं एक फोटो कैप्चर करता हूं। ठीक है, तो यहां पे फोटो मैंने कैप्चर कर लिया है, अब हम फोटो को ओपन करते हैं। अब दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो Redmi Note 8 Pro से ये फोटो कैप्चर किया गया है, डेट एंड टाइम आ रहा है और अमित कुमार ने इस फोटो को कैप्चर किया है। इस तरह गाइस आप अपने फोटो पे वाटरमार्क को इनेबल कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में बताता हूं। ठीक है, सिंपली आपको यहां पे फिर से सेटिंग को ओपन करना है। अब गाइस आपको यहां पे नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, नीचे आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा फोकस एंड सूट, आपको इस सेटिंग को, इस फीचर को यहां से इनेबल कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम बैक आते हैं। जैसे गाइस मान लीजिए कि आपको फोटो कैप्चर करना है, ठीक है, जैसे यहां पे हमें ये वाला फोटो मान लीजिए कैप्चर करना है। ठीक है, अब गाइस आप यहां से मैनुअल फोकस एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें यहां पे ऑटो फोकस करना है, ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। गाइस आप यहां पे देख सकते हो यहां पे ऑटो फोकस हो चुका है। ठीक है, अब आपको फिर से एक बार क्लिक करना होगा। तो दोस्तों हमारा जो फोटो है वो कैप्चर हो चुका है। इस तरह गाइस आप स्क्रीन पे कहीं भी फोकस करके फोटो को क्लिक कर सकते हो। इस तरह गाइस आप इस ऑटो फोकस वाले ऑप्शन को, फीचर को यूज कर सकते हो। अब दोस्तों हम फिर से सेटिंग को ओपन करते हैं। इसके बाद गाइस आपको यहां पे नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, नीचे आना है।
नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पॉकेट मोड, आपको इस सेटिंग को यहां से इनेबल कर देना है। ठीक है दोस्तों, काफी टाइम ऐसा होता है कि हम अपने फोन को पॉकेट में रख लेते हैं और हमारे फोन का जो जिस्टर होता है वो काम करता रहता है, इसकी वजह से हमारे फोन का कैमरा ऑन हो जाता है। तो सिंपली गाइज आपको इस सेटिंग को यहां से इनेबल कर लेना है पॉकेट मोड को, और गाइज अगर आप अपने फोन को पॉकेट में रखोगे तो दोस्तों जो सेंसर्स हैं वो काम नहीं करेंगे। इस तरह गाइज आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। इसके बाद गाइज आपको यहां पे और भी काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं रेडमी के फोन में कस्टमाइज का। ठीक है, आपको इसको ओपन करना है। इसके बाद आपको यहां पे चार ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन आपको यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है कलर्स का, आपको इस पे क्लिक करना है। दोस्तों आप यहां से कैमरे के लेआउट के कलर को चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद आए आप उसको यहां पे इनेबल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, अब हम बैक आते हैं। इसके बाद गाइस आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलता है साउंड का, आपको इस पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको यहां पे काफी अलग अलग तरीके के साउंड इफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, फोटो क्लिक करते टाइम पे आपको कौन सा साउंड इफेक्ट यूज करना है आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो आप काफी अलग अलग तरीके के साउंड इफेक्ट हैं जो कि फोटो क्लिक करते टाइम पे साउंड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो भी आपको पसंद आए आप उसको यहां से सेट कर सकते हो। अब गाइस मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, फीचर के बारे में बताता हूँ जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, जिसका नाम है फिल्टर। दोस्तों काफी सारे लोग अपने फोन में फिल्टर को यूज करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन यूज करते हैं। ठीक है, काफी सारे लोग ब्यूटी प्लस को यूज करते हैं, इस तरह के काफी सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को। ठीक है गाइस, अब आपको अपने फोन में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज नहीं करना है, आपके फोन में एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फिल्टर का। ठीक है, सिंपली गाइज आपको इस पे क्लिक करना होगा। अब गाइज आपको यहाँ पे ब्यूटीफाई का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहां से गाइज आप शार्पनेस को ऐड कर सकते हो अपने फोटो में। ठीक है, मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं, जैसे आप यहां पे देख सकते हो। अब गाइज आप इसको अपने हिसाब से शार्प कर सकते हो सकता है गाइज कि आपको कैमरे में समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो, जब हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारे हाथ की जो लकीरें हैं वो दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको बढ़ाते हैं तो ये और भी ज़्यादा शार्प हो जाता है। दोस्तों ये जो इफेक्ट है ये फेस पे काफ़ी अच्छा काम करता है, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हो। इसको आपको मैनुअल इस तरह सेट करना होगा, जितना आपको ठीक लगे उस पर आपको सेट करके फोटो को क्लिक कर लेना है। इस तरह गाइस आप अपने फोटो को और भी ज़्यादा शार्प कर सकते हो। तो गाइस ये रहा रेडमी का सेटिंग। अब चलिए मैं आपको रियलमी के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि हम Realme में शॉर्टकट तरीके से कैसे कैमरे को ऑन कर सकते हैं। इसके लिए गाइस आपको Realme के सेटिंग में जाना होगा और यहां पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वीनियंस टूल्स, आपको इसको ओपन करना है। इसके बाद आपको यहां पे जिस्टर्स एंड मोशन को ओपन करना है। अब गाइस आपको यहां पे स्क्रीन ऑफ जिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ड्रा ओ टू ओपन कैमरा, सिंपली आपको यहां से इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। ठीक है, इसको ऑलरेडी मैंने इनेबल कर रखा है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका काम क्या है। ठीक है, तो यहां पे हम बैक आते हैं। अब हम फोन को लॉक कर देते हैं। अब इसके बाद गाइस हम होम स्क्रीन पे ओ बनाते हैं। ठीक है गाइस, आप यहां पे देख सकते हो ओ बनाते ही हमारे फोन का जो कैमरा है ये ऑन हो चुका है। इस तरह गाइस आप शॉर्टकट तरीके से रियलमी के कैमरे को ऑन कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको कैमरे के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताता हूं। ठीक है, अब हम कैमरे को ओपन करते हैं। इसके बाद आपको यहां पे थ्री लाइन पे क्लिक करके सेटिंग को ओपन करना है। अब गाइस आपको यहां पे और भी काफी अलग अलग तरीके के सेटिंग्स मिलेंगे जो कि रेडमी के सेटिंग्स से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा टच टू टेक फोटो, सिंपली आपको इस सेटिंग को इनेबल कर देना है। ठीक है गाइस, काफी टाइम ऐसा होता है जब हम अपने फोन से सेल्फी लेते हैं तो दोस्तों हमारा जो अंगूठा होता है इस वाले पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपली आपको इस वाले फीचर को इनेबल करना है और आप स्क्रीन पे कहीं भी टच करके फोटो को कैप्चर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और हमारा जो फोटो है ये कैप्चर हो चुका है। इस तरह गाइस आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। अब हम फिर से सेटिंग को ओपन करते हैं। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, नीचे आपको और भी काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन आपको मिलता है वाटरमार्क, आपको इस पे क्लिक करना है। यहां से गाइस आप नाम डेट टाइम सब कुछ फोटो पे ऐड कर सकते हो, सिंपली आपको इसको इनेबल करना है। अब आपको यहां पे ऑदर पे क्लिक करना है और यहां पे अपना नाम डाल देना है। अब हम बैक आते हैं।
अब हम फिर से फोटो को कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो डेट टाइम नाम आ चुका है। इस तरह गाइस आप इसको रियलमी के फोन में इनेबल कर सकते हो। ठीक है, अब हम बैक आते हैं। अब दोस्तों अगर आप अपने फोटो को शार्प करना चाहते हो रेडमी की तरह, तो सिंपली आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलता है क्रोमा बूस्ट का, आपको इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो क्रोमा बूस्ट ऑन हो चुका है। अब गाइस जब भी आप फोटो खींचोगे तो आपका जो फोटो है वो शार्प क्लिक होगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगेगा, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इसके लिए गाइस आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कोई भी फिल्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आपको अपने फोन में सिर्फ इन सेटिंग्स को करना है। और गाइस यहां पे आपको और भी काफी सारे फिल्टर्स का ऑप्शन मिलेगा। यहां से गाइस आप क्रोमा बूस्ट को मैनेज भी कर सकते हो। दोस्तों जैसे रेडमी के फोन में सेटिंग्स दिया गया था आप यहां पे देख सकते हो, इस तरह गाइस आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जितना आपको लगे शार्पनेस, आपको जितना चाहिए आप इसको उतना सेट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए एप्लीकेशन से रिलेटेड, नए ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।